अगर भारत में बनी किसी टाइम ट्रेवल मूवी या सीरीज की बात करूं तो मुझे एक मूवी का नाम याद आता है, एक्शन रिप्ले, जो एकदम कचरा थी। बट इस बार कहूंगा कि इन्होंने कुछ ढंग का काम करने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं JL50 वेब सीरीज के बारे में, जिसे डायरेक्ट और राइट एक इंसान ने किया, शैलेंद्र व्यास ने। इसमें टोटल 4 एपिसोड हैं और इसमें कास्ट है अभय देओल, रितिका आनंद, पीयूष मिश्रा, पंकज कुमार और बाकी अन्य कलाकार। अभय देओल इस सीरीज में शांतनु नाम के एक सीबीआई ऑफिसर बने। न्यूज आती है कि 2019 का वक्त इसमें दिखाया गया, प्रेजेंट का। तो 2019 में AU-26 नाम की एक हवाई जहाज जो है वो गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। फिर वहीं तभी थोड़ी देर बाद एक न्यूज आती है कि एक हवाई जहाज जो है वो क्रैश हुई है, तो शांतनु को वहां भेजा गया है और ये पता करने के लिए कि जो जहाज वहां पर क्रैश हुई है वो कैसे वहां पर पहुंची, उसमें कौन जिंदा बचा या नहीं बचा। जब शांतनु वहां पर जाता है और देखता है, उसे पता चलता है कि ये जो जहाज है वो AU-26 नहीं है, जबकि ये जो साज है वो 35 साल पहले कोलकाता से उड़ी थी और ये कहीं गायब हो गई थी, और अचानक अब 35 साल बाद मिली है और इसी जहाज का नाम है JL-50। अब शांतनु इस एरोप्लेन के बारे में पता लगाने के लिए लग जाता है और रिसर्च करनी शुरू करता है, और उसकी मदद करता है एक प्रोफेसर दास, जो टाइम की एक बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, और उसके बताता है कि ये जो जहाज एक्चुअल में वो 35 ईयर ओल्ड है, यानी ये कहीं से टाइम ट्रेवल करके इधर आ चुके हैं, यानी भूतकाल से भविष्य के अंदर आ चुके हैं। अब इस सीरीज में आपको बहुत सारे राज जानने को भी लेंगे जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो एकदम से सामने आए। इस सीरीज में अभय देओल को बहुत ज्यादा सैड, डिप्रेस्ड ऐसा दिखाया गया। अब वो ऐसा क्यों दिखाया गया, इसका रीजन भी इसमें दिया गया है। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि भी एक टाइम ट्रेवल का एक कॉन्सेप्ट ले लो और उसे लोगों के सामने दिखा दो और वो मूवी या सीरीज वो हिट हो जाएगी। आपने देखा ही एक्शन रिप्ले जैसी कचरा मूवी, तो मैं ये कहूंगा कि यार उसके साथ एक कहानी होनी भी जरूरी है, और इस वाली सीरीज में ये कहने में खुशी हो रही है कि यार इसमें एक अच्छी खासी कहानी देखने को मिलती है। इसमें जो भी कैरेक्टर इसमें दिखाए गए हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी ढंग से जुड़े हुए हैं, उनका लिंक है एक दूसरे से, जो ये देखकर काफी अच्छा लगता है, और ये जो बात है इस सीरीज की उसको और ज्यादा अच्छा बना देती है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि टाइम ट्रैवल कैसे होता है, उसको कैसे किया गया, वो कहाँ से लिया गया, और इन्होंने जो इसका रीजन दिया वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सटीक सा लगता है, बट जब टाइम ट्रैवल इन्होंने करते हुए दिखाया यार, कसम से बस उसको बस ये मान लेना कि हाँ टाइम ट्रैवल हो गया, क्योंकि वो यार देखा ही नहीं जा रहा था, इतनी बकवास तो उन्होंने VFX वहां पे डाल दिए थे। और एक और चीज, जब आप 2019 से 1984 यानी 35 साल पहले जब चले जाते हैं, तो आप क्या इमेजिन करते हो कि यार हाँ, इसके अंदर हमें बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें देखने को मिलेगी जो 35 साल पहले हुआ करती थी और जो आज की डेट में नहीं है। तो आपके सामने सबसे पहले आएगा कि यहाँ पर इमारतें, बिल्डिंग, या वहां पर कैसा माहौल हुआ करता था, वहां फैशन कैसा था। तो इसके नाम पर मैं कहूंगा यार, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, मतलब कि आप 2019 और 1984 में कुछ ज्यादा फर्क देख ही नहीं पाओगे। बस हाँ, एक फर्क इन्होंने डालने की कोशिश की है कि जो लड़कियां जो इसमें दिखाई गई हैं वो बस दो चोटी करके रखती थी। यार ये चीज तो कहीं से मतलब जस्टिफाई नहीं करती कि आप 1984 के अंदर हो। और हाँ, इन्होंने इसमें दो गाड़ी भी दिखाई है जो पुराने, जो 1984 के टाइम में यूज की जाती थी। बस हाँ, बस यही एक चीजें देखने को इसमें मिलती है। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, देखो यार परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एवरेज रही, मैं यही कहूंगा, क्योंकि यार इसमें आप खुद इमेजिन करो कि आप 2019 से 1984 के अंदर जाते हो। सबसे पहले कि आपको टाइम ट्रैवल करना है, तो टाइम ट्रैवल करना तो आपके अंदर, तो एक तो मैं सोचने की बात कर रहा हूँ कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मतलब आप सोच के जरा देखो, आप जब टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आप पास्ट में जा रहे हो, तो सबसे पहले तो एक्साइटमेंट होगी और पास्ट में जाकर देखेंगे कैसा होगा। दूसरी चीज, आपको डर भी लगेगा यार, क्या पता वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या फिर कुछ और हो जाएगा। तो ये सब चीजें यार इसमें मिसिंग लगी। मुझे लगा यार इसमें इतना इजी टाइम ट्रैवल इन्होंने दिखाया कि बस एक घर से निकल के दूसरे घर पे जाना था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे थे कि क्या होने वाला है, बस तैयार हो गए कि हाँ 2019 से 1984 के अंदर जाना है। बावजूद इसके भी ये सीरीज हमें शुरू से लेके आखिर तक अपने साथ बांध कर रखने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ढंग का काम करने की एटलीस्ट कोशिश की है, जो देखकर काफी अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर और अच्छे से काम किया जाएगा, और एक कहूंगा यार एक टाइम ट्रैवल के साथ जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है एक टाइम ट्रैवल का, और फिर इसमें जो स्टोरी इन्होंने डाली है, जो कैरेक्टर का लिंक इसके अंदर दिया, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा देखने में। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7/10 स्टार। अगर किसी ने सीरीज नहीं देखी तो मैं एक बार तो उसको ये कहूंगा कि यार प्लीज जाकर इसको देखो, काफी अच्छा काम किया गया है। हाँ, एक्टिंग अच्छी है, बट मैं कहूंगा कि यार उस लेवल की जो टाइम ट्रेवल के बीच जो उन्हें महसूस करवाना चाहिए था कि हाँ यार एक्साइटमेंट है, डर है, वो मिसिंग सी लगी मुझे। और बाकी अगर जिन्होंने देख ली है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को इस सीरीज में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।